मैं हूं पारुल डेविड और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र में 47वीं सीनियर पुरुष स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दो दिवसीय प्रतियोगिता में गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, यूपी पुलिस, बुलंदशहर, हापुड़ व कानपुर की टीमें मौजूद थीं। पहला मैच गाजियाबाद व झांसी टीम के बीच हुआ, जिसमें गाजियाबाद की टीम विजेता रही। इस मौके पर पूर्व विधायक हेमलता चौधरी, ब्लॉक प्रमुख कृष्णवीर सिद्धार्थ चौधरी, कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव सत्येंद्र कुमार, यूपी योद्धा के कोच अर्जुन सिंह, राज सिंह नागर, ऋषपाल गुर्जर एकेडमी के आयोजक महर्षि बिशन सिंह, विनोद गुर्जर मेहमतपुर, ऋषपाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बखूबी पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी के विधायक प्रतिनिधि पिंकल गुर्जर द्वारा किया गया। सर, ये जो कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, किस उपलक्ष्य में हो रही है? ये बेसिकली उपलक्ष्य की नहीं, ये तो हर साल सरकार का अपने नियम है कि जैसे टीम तैयार होती है, राष्ट्रीय टीम तैयार होती है, राष्ट्रीय टीम तैयार होने से पहले स्टेट की टीम तैयार होती है, पूरे देश में जो स्टेट है उनकी टीम बनती है। तो यहाँ पर पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ स्टेट की टीम का जो चैंपियनशिप हुई थी, जो स्टेट की टीम तैयार हुई थी, जो बनी थी, उसका सिलेक्शन यहीं हुआ था, हमारे यहीं मिला था। सौभाग्य की बात है कि ये लोग हमारे जो कबड्डी फेडरेशन वाले हैं, ये लोग हमारे जो है व्यवस्था देख करके और टीम को देख करके हमारे पर विश्वास इन्होंने दिखाया। पिछली बार यूपी स्टेट यहाँ पर किया और अब की बार इन्होंने जो है ये पहले यूपी स्टेट बनने से पहले जोन तैयार होते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर जिले की टीम उसमें खेलेगी या हर गांव की टीम खेलेगी। तो पहले जोन तैयार होते हैं, जोन के तैयार होने के बाद में फिर स्टेट की टीम तैयार होती है। तो अभी क्या है कि ये जो हमारा यहाँ का जोन है, ये जोन जो हमारा वाला है, इस जोन का सिलेक्शन एक तरह से हमारे यहाँ हो रहा है। ये तो एक तरह से सरकारी प्रोग्राम समझिएगा आप, इसमें जो कबड्डी फेडरेशन के लोग हैं वो ही इस लोग इसको देखते हैं, वही लड़के इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसमें जोन में जो है कौन कौन सी टीम रहेंगी और जो जोन से टीम बनेगी वही टीम जो है फिर यूपी के लिए जो टीम तैयार होगी उसमें वो टीम खेलेगी। कितने बच्चे यहाँ से कामयाब हो गए जा चुके हैं? यहाँ से मैं समझता हूँ कि कुछ लड़के पुलिस में भी गए हैं, कुछ लड़के मिलिट्री में भी गए हैं, और वैसे भी जो ये कबड्डी चल रही है प्रो कबड्डी, उसमें भी दो लड़कों का नाम गया है, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, दो लड़कों का नाम गया है। और क्या क्या हुआ भाई? नेशनल भी खेल के आए हैं हमारी टीम के लड़के। ये हमारे महाशय जी हैं पीछे, बिशन जो यहाँ के इसके मैनेजर हैं और इसको देख रेख करते हैं सारा, ये सब लड़के इन्हीं के अंडर में खिलाए जा रहे हैं। तो इनका खुद का बेटा भी क्या बन गया भाई? नेशनल। हाँ, वो नेशनल खेल का आया है इनका बेटा भी। तो यहाँ पर एक नई चीज़ देने का प्रयास किया गया, क्षेत्र में जो है ऐसी कोई अकेडमी थी नहीं, जो हमने यहाँ पर बना करके बच्चों को उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और यहाँ पर खेल के प्रति रुचि बढ़े। अब ये बनी है तो सभी गाँव के लड़के यहाँ आते हैं, खेलते हैं, तो पूरे ज़िले के ही लड़के आते हैं, क्या जिले से बाहर के भी आते हैं, लेकिन ज़िले के तो आते ही आते हैं। तो वो लड़के बल्कि उनका रहने सहने का भी इंतज़ाम है, खाने पीने का भी है, और उनसे खर्चा के नाम पर जो उसका खाना खर्चा है वो ही लिया जाता है, कोई फीस वगैरह उनसे चार्ज नहीं करी जाती। हमारा उद्देश्य है खेलों को बढ़ावा देना, और आने वाले समय में बहुत जल्द ही हम पास ही हमारी एक ज़मीन पड़ी है उसमें हम क्रिकेट का स्टेडियम बनाएंगे और यहाँ पर क्रिकेट की बढ़िया तरीके की एकेडमी जिले स्तर की हम चालू करेंगे आने वाले समय में। तो इसमें मेरा यही उद्देश्य है कि मैं भोजपुर ब्लॉक का रहने वाला हूँ और भोजपुर ब्लॉक में खेलों को बढ़ावा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि हरियाणा के बच्चे बहुत आगे निकले हुए हैं। हमारे बच्चे ऐसा नहीं है कि कमज़ोर हैं, लेकिन समस्या यही है कि उन्हें सुविधा नहीं मिल रही। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं उन्हें सुविधा दूं ताकि वो बच्चे भी आगे निकलें और हरियाणा के बच्चों की तरह उनका भी वो भी गोल्ड मेडल लेकर आए। तो मैं समझता हूं मेरा सपना उसी दिन पूरा होगा जब कि इस दिन हमारे भोजपुर ब्लॉक का बच्चा मेडल लेकर आएगा।
तो यूपी और गाजियाबाद तो है ही है पहले नंबर पर, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो भोजपुर ब्लॉक के बच्चों में ज़्यादा है, वो लिए काम है, तो मेरा घमंड का बात है मेरे लिए। तो भैया ये है कि सभी लोग इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा खेल को बढ़ावा दें। ठीक है, ओके। क्या नाम आपका? पिंकल गुजर। ये जो यहाँ फरीदनगर में कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, किस उपलक्ष्य में हो रही है, कब से करा रहे हैं? एक प्रदेश की 47वीं पुरुष प्रदेश की स्टेट लेवल की चैंपियनशिप है, कबड्डी की चैंपियनशिप है, जहां पर ये हमारे उत्तर प्रदेश को 4 जोनों में बांटा हुआ है, जिसमें जोन बी की प्रतियोगिता है, स्टेट लेवल की प्रतियोगिता है, जिसमें हमारे बीच में बागपत, यूपी पुलिस, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और कानपुर की टीमें यहाँ पर पहुँची हैं, और वो यहाँ पर अपना कबड्डी का कंपटीशन होगा। यहाँ से ही एक जोन की टीम बन के जाएगी, जिसका सिलेक्शन राष्ट्रीय लेवल पर नेशनल लेवल के लिए कबड्डी में होगा। अब तक कितने बच्चे यहाँ से कामयाब होकर जा चुके हैं? यहाँ से काफ़ी बच्चे, परम आदरणीय हमारे विधायक जो हमें दोबारा मेजबानी करने का यहाँ मौका मिला, चौधरी रिछपाल गुजर अकेडमी जो हमने 3 वर्ष पहले ही चलाई है, और बहुत जल्दी पिछली बार भी 46वीं जो हमें स्टेट लेवल की चैंपियनशिप थी उसका भी अवसर हमें प्राप्त हुआ, और जो 47वीं भी हमें मेजबानी देने का काम किया, इसके लिए हम पूरे उत्तर प्रदेश फेडरेशन का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और माननीय प्रशांत चौधरी जी की सोच है, कबड्डी के साथ साथ यहाँ से काफ़ी बच्चे सर्विसेज में गए हैं, देश का प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है, प्रो लेवल तक भी, जो आज प्रो लेवल की कबड्डी आप देखने का काम करते हैं वहाँ भी पहुँचने का काम किया है। माननीय प्रशांत चौधरी जी की इच्छा है कि मैं जिस प्रकार ये कबड्डी की एकेडमी बनाई है, मैं एक एथलेटिक्स की एकेडमी बनाऊं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भूमि माननीय प्रशांत चौधरी जी की है, वो चाहते हैं कि मैं यहाँ एथलेटिक्स की एकेडमी बनाऊं। एथलेटिक्स की एकेडमी में जहाँ जो स्टेट और नेशनल लेवल पर सिंथेटिक ट्रैक मिलने का काम होता है, जहाँ 100 से 200, 400, 800, 1600 मीटर के धावक तैयार होंगे, जो सर्विसेज पे जाएंगे, देश की सेवा करने का काम करेंगे, देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे और देश प्रदेश में अपना नाम रोशन करने का काम करेंगे, जहाँ एथलेटिक्स के रूप में थ्रो का इवेंट भी करने का काम शुरू करने का मन है माननीय प्रशांत चौधरी जी का, जहाँ चारों थ्रो होंगी, चाहे वो डिस्कस थ्रो है, एथलेटिक्स है, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, हैमर शॉट और सारी हैमर थ्रो वगैरह सब होने का काम होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जहाँ अच्छे कोच द्वारा प्रशिक्षण देकर हमारे यहाँ माननीय प्रशांत चौधरी जी का सपना है कि मैं इसे एक स्पोर्ट्स हब बनाऊँ। शिक्षा का भी काम माननीय प्रशांत चौधरी जी कर रहे हैं, आप बराबर में देख रहे हैं, यहाँ आसपास में 10 से 15 किलोमीटर के बीच में कोई कॉलेज नहीं है। माननीय प्रशांत चौधरी जी ने स्वर्गीय अपने पिताजी के नाम से रिछपाल गुजर इंटर कॉलेज भी यहाँ बनाया हुआ है। शिक्षा और खेल की तरफ बहुत बहुत जागरूक हैं हम, ऐसे माननीय प्रशांत चौधरी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कबड्डी का स्टेट चैंपियनशिप का कार्यक्रम हुआ था, 3 दिन कार्यक्रम चला, अब की बार भी यहाँ पर जोन का कार्यक्रम है, जोन की टीमें तैयार होनी है, जिसमें आज गाजियाबाद और झांसी की टीम खेल रही हैं, और दोनों ही टीम बहुत बढ़िया खेल रही हैं। जैसे कि भाई पिंकल जी बता रहे थे कि मेरा उद्देश्य है, मेरी सोच है कि भाई जैसे हमारे हिंदुस्तान में हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा के बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, बड़ा सम्मान बढ़ता है प्रदेश का, देश का, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल लेकर के आए, लोग मिलकर के जुटाएं, तो हमारी भी टीम मजबूत बन सकती है, हमारे प्रदेश में भी गोल्ड मेडल आ सकते हैं। इसी कड़ी में हमने एक ये कबड्डी अकेडमी यहाँ पर बनाई है, इसके अलावा भी एक क्रिकेट स्टेडियम भी बहुत जल्द मेरा बनाने का प्रोग्राम है। तो मेरा यही सपना है कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र के बच्चे, हमारे भोजपुर ब्लॉक के बच्चे, गाजियाबाद जिले के, प्रेरणा ली है कि हम अपने पड़ोसी राज्य जैसे बच्चे अपने यहाँ पर पैदा करें, और अपने व्यक्तिगत प्रयास से जो वो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, साथ ही क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके प्रयास में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर एक मुहिम का काम करें और अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हम पैदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अधिनायक जय हिंद, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ग्रामीण उत्तर गंगा, गंगा उच्छल जय।
आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।